यूपी के गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के छठे चरण का चुनाव 7 जिलों की 49 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। इस चरण का मतदान सुबह 7 बजे से हो रहा है। वहीं गोरखपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और गोरखपुर से बीजेपी के लोकप्रिय सांसद योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं वोटिंग के 2 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने 4 घंटे का रोड शो किया था। फिलहाल गोरखपुर में मतदान सुचारू रूप से हुआ। वहीं योगी आदित्यनाथ सुबह पोलिंग बूथ पहुंचे और मतदान कर सवालों के जवाब दिए। पेश है गोरखपुर से अबरार अहमद की खास रिपोर्ट। देखिए ये हार की खींच कुछ लोग उतारना चाहते हैं, लेकिन ऐसे तत्वों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसे तत्वों के साथ सख्ती से निपटने महाराज, पहली बार में साड़ी बांटते हुए कुछ लोग पकड़े गए हैं, साइकिल का नाम ले रहे हैं। देखिए उनके पास जब कुछ भी मुद्दा नहीं बचा, स्वाभाविक रूप से वे लोग अब इस हरकत पर उतर आए हैं। आचार संहिता की खुलेआम ध्वजियां उड़ा रहे हैं। ये प्रशासनिक निकम्मापन है कि पहले भी बताया गया था कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चूंकि हार से बाहर है गोरखपुर ग्रामीण में और वह चुनावी उससे बाहर हो चुका है, अपनी जीत के लिए वह सत्ता का दुरुपयोग करके इनके कारण हर प्रकार के उन अनैतिक कृत्यों का दुरुपयोग करेगा, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रशासन को सख्ती करनी चाहिए थी, पकड़ा गया है और मुझे लगता है कि प्रशासन को नजर रखनी चाहिए, सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के हाथ में। मेरा नाम सकीना है, कोई साधन नहीं है, नहीं आ रहा, गाड़ी भी लेकर आने नहीं दे रहे हैं, आज नहीं दे रहे हैं लोग, कैसे लगवाए हैं, कैसे हम जा रहे हैं, ये उत्तरपुरी वाला जाने का बड़ी तकलीफ है। मेरा कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा गाड़ी भी नहीं, कम से कम यहाँ तो आना चाहिए। आपकी एज कितनी है? खबर अब 50 से ऊपर होगा। कोई साधन नहीं। कम से कम यहाँ मरीजों को के लिए कुछ अलग से व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, क्योंकि गाड़ी हम बगल से मांग के लाए हैं। बाहर जब से अंदर आने के लिए आपने बोला तो क्या वो कहे जो वहाँ पर स्टैंड में गाड़ी लगा दीजिए तो हम पका के ले जाइए। अपने अपने आदमियों को भेज रहे हैं, आपने रोक दिया है, हमें नहीं पता आपने रोक दिया है कौन, अब हम कैसे वो बाहर से पानी मंगा रहे हैं, पुलिस वाले पानी रोक रहे हैं, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। उसका हम बिल लगा देंगे, बिना पानी पिए चाय पिए हम लोग, और इन लोग ये लोग अंदर पानी तक ले जाने नहीं दे रहे हैं। ये दुर्व्यवस्था है यहाँ की, सुबह से पानी पीना मर रहे हैं हम लोग। नियम ये खुद बता रहे हैं कि नियम आज तक इतनी ड्यूटी है अंदर, अब इनकी क्या प्रॉब्लम है ये जाने। मनोज कुमार सिंह जी, पीठासीन। परेशानी ये है कि यहाँ पर ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो कहीं खाने की व्यवस्था की गई है, कोई रसोईया भी नहीं है, और शाम को भी नहीं खाना मिला, और इतने ना फोर्स ने पानी रोक दिया, पानी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, कह रहे हैं लिक्विड नहीं जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट का फोन अभी नहीं लगा, अभी घर रहे बात आए हैं अंदर। We'll be right back.